अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो है हम मैथ का आगे से स्टार्ट करेंगे। तो ये मैथ का लेक्चर नंबर 17 है और एक्सरसाइज 6.3 के हमने पहले 10 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 अगर आप देख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 है ए इंटू एक्स माइनस वाई माइनस बी इंटू एक्स माइनस वाई। तो क्वेश्चन देख के हमें साफ़ पता चल रहा है कि इसके पेयर तो या इसके फैक्टर तो पहले ही बने हुए हैं और वो बना हुआ है एक्स माइनस वाई। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने इसको एक दफ़ा दोबारा लिख लिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें से एक्स माइनस वाई कॉमन ले सकते हैं। इस पूरी इक्वेशन में से मैं एक्स माइनस वाई को कॉमन लूँगा, पीछे मेरे पास ए माइनस बी बच जाएगा, इसमें से ए बच जाएगा, इसमें से माइनस बी बच जाएगा। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इंटू वाई माइनस ए माइनस बी इंटू वाई माइनस ए। तो इस इक्वेशन में y माइनस ए जो है ये पेयर बने हुए हैं, फैक्टर बने हुए हैं, हम y माइनस ए कॉमन ले लेंगे। पीछे हमारे पास y, इसमें से y बच जाएगा और इस वाले हिस्से में से माइनस बी बच जाएगा। थर्ड पे 13 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वो है ए स्क्वेयर पी क्यू माइनस आर एस प्लस बी स्क्वेयर इंटू पी क्यू माइनस आर एस। तो इसमें से जो पेयर बने हुए हैं वो पी क्यू माइनस आर एस के बने हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, हम पी क्यू माइनस आर एस को कॉमन निकाल लेंगे। पीछे क्या बच जाएगा, इसमें से ए स्क्वेयर बच जाएगा और इसमें से प्लस बी स्क्वेयर बच जाएगा। ठीक है, उनको जो है वो ब्रैकेट्स में लिख लेंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 14 और लास्ट क्वेश्चन जो है वो है ए बी एक्स प्लस वाई प्लस सी डी एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन के हिसाब से जो है इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x प्लस वाई जो है वो कॉमन है। ठीक है, तो x प्लस वाई को मैं कॉमन ले लूँगा, इसमें से a b बच जाएगा और इसमें से c d बच जाएगा, उसे मैं ब्रैकेट में अलहदा से लिख लूँगा। तो मेरा आंसर आएगा x प्लस वाई ए बी प्लस सी डी। तो ये क्या था बच्चों, ये सिंपल से क्वेश्चन थे फैक्टराइजेशन के, ये हमने कम्प्लीट कर लिए हैं। अब हमारी एक्सरसाइज 6.3 जो है 6.3 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें जो है अब हम इसके आगे 6.4 करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने 6.3 अपनी कॉपीज़ पे नोट कर लेनी है, राइटिंग साफ़ रखनी है और इसकी घर में एक दफ़ा प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अल्लाह हाफिज़।